सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। YouTube guys, कैसे हो सभी लोग? Welcome back to another gameplay video of Bully Anniversary Edition. तो guys, आप सभी का स्वागत है part 5 में। तो आज basically मैंने सोचा था कि जितने भी हमारे missions हैं, मतलब आपको पता ही है missions करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, तो आज हम सभी missions को complete करेंगे। तो अभी सुबह हो चुके हैं एंड स्कूल जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ना कुछ न्यू मिशंस आए हैं डॉलर वाले, जिसमें कि हमें कुछ जॉब मिलेगी, मतलब उसका हमें काम करना पड़ेगा किसी बंदे का, और उसके बाद हमें जो है डायरेक्टली वो सीधा डॉलर्स में पे करेगा। तो अभी हम चलते हैं पहले स्कूल के बाहर। बट एक सेकेंड, मेरे को तो मैंने पिछली ओके मैंने साइकिल खरीदी थी, तो पहले हम चलते हैं अपनी साइकिल को उठा लेते हैं अपने गैराज से। तो गैराज जो होता है वो स्कूल बस के पास होता है ना, तो चलो पहले गैराज में चलते हैं फटाफट भाग के। और यहाँ पर देखो, एक तो ये सेब वेब गिर रहता है, पेड़ होता है ना ऊपर, तो इसे हम तभी खा सकते हैं जब अपनी हेल्थ कम हो। तो भैया अभी हम नहीं खाएंगे। तो अपना गैराज यहाँ पर आ चुका है, तो सीधा साइकिल लेकर चलेंगे डॉलर वाले मिशन करने, क्योंकि अभी पैसों की थोड़ी सी कमी है भाई पे, तो पहले थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए। ओके गुल जा भैया, ओके गैराज खुल गया। ये हमारी साइकिल देख लो भैया, कितनी मस्त साइकिल है यार अपनी, क्या मस्त है भाई। तो अभी चलते हैं इसे लेकर सीधा मतलब कि डॉलर वाले मिशन पर। और भाई सब स्किट कैसे लग रही है आज? अरे अरे अरे, स्किट कैसे लगने लग गई? कल तक मतलब कि पिछले गेम प्ले तक तो नहीं लग रही थी भाई, मतलब ये बैठे बैठे सीख गया। अरे अरे भैया, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, मुंह के बली जाके ठुक गया। ओके अभी हमें यहाँ पर, ये हमारी साइकिल है तो हमें यहाँ पर जाना है इस वाले, कहाँ चला गया? ओके तो ये रहे दो डॉलर के मिशन है, यहाँ से हम जाकर इनका मतलब जो भी मिशन होगा उसको करके पैसे कमा सकते हैं। तो पहले चलते हैं यहाँ पर डॉलर वाले मिशन पे फटाफट से। ओके तो यहाँ पर अपनी साइकिल जो है भैया बढ़िया हो गया, मतलब कि फुल स्किट मार रही है। बस यहाँ पर ना एक दिक्कत है भाई, एक दिक्कत है यहाँ पर भैया, क्लासेस चल रही है और अगर अभी किसी इंस्पेक्टर ने मुझे देख लिया तो सीधा पकड़ेगा, गुद्दी पे दो रेपटे देगा और स्कूल में छोड़ कर आएगा। तो मेरे को उनसे भी थोड़ा बहुत बचना और ध्यान रखना। बट अपने पास साइकिल है एकदम गदर, तो कोई फालतू नहीं बोलेगा भाई, मेरे को इतना तो पता है साइकिल भैया बहुत तेज भगाएंगे। और ये डॉलर वाला मिशन है कहाँ पर? ओके तो शायद इधर घूम के है। ओके 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 ओके, ये रहा भैया हमारा डॉलर वाला मिशन। तो यहाँ पर हमारी शॉप आ चुकी है और आंटी जी थोड़ा देख के चलिए, वैसे देख के तो मुझे चलानी चाहिए। तो ये रहा हमारा न्यूज़ पेपर। ओके पेपर, अबे भाई मेरे को लग रहा है इसके अंदर हमें पेपर। ओके कोई दिक्कत नहीं यार, पेपर रूट इंट्रो है। यहाँ पर हमें इस जो मतलब कि जो न्यूज़पेपर वाला मैन है, इसके जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो सभी के जो लेटर बॉक्स होता है उसी के अंदर डालने होते हैं, तो भी लेकर चलते हैं। ओके तो हाँ ओके समझ गया मैं। ओके ओके ओके, अभी कहाँ पर जाना है? टॉप ऑफ द हिल। ओके ठीक है चलो, अभी हम मार्कर्स पे जितने भी आ रहे हैं उन पे सीधा डालना है, बट मैं इन्हें डालूंगा कैसे? ओके तो ये रहे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो पहले हमें यहाँ से कलेक्ट करने हैं और इसके अंदर डिलीवर करने हैं कि। ओके ठीक है भाई, बहुत सिंपल मिशन है, बहुत ईजिली कम्प्लीट करेंगे हम। तो भगा कर चलते हैं सीधा, कम से कम हमें 7 मेल बॉक्स में डालने हैं, ऐसे मेल बॉक्स कहते हैं लेटर बॉक्स नहीं, तो मैं समझ गया। मतलब भैया हम थोड़े से इंडिया में इतना नहीं होता भाई, इंडिया में इतना किसी को नहीं पता, तो लेटर बॉक्स पता होता बस, मेल बॉक्स तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने चलो 2 के अंदर तो डाल दिया, यहाँ पर वो बहुत सारे, किसी के अंदर भी भर दो भाई। ओके तो ये कह रहा बहुत ईजी है डालना, यहाँ पर इसके अंदर भी डाल देते हैं, इसके अंदर भी डाल देते हैं। चलो भैया रगड़ रगड़ के डालेंगे सीधा, ले भाई बहुत ईजी है भैया, अपन बहुत तगड़ी साइकिल चला रहे हैं आज। ओके तो भाई ये बाकी कितनी दूर है? अरे अरे अच्छा चलो, एक तो पास है, एक तो पास है, मैं सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई कुत्ता कहाँ से पीछे पड़ गया? अबे अबे ओ भैया काट वाट मत लियो, ठीक है ये रहा बॉक्स। अबे यार एक कुत्ता ना काट ले मेरे को, वो है भी पिटबुल भाई, है भी पिटबुल यार, काट लिया तो हड्डी टूट जाएगी इसकी, भैंस की टांग इसको नहीं छोड़ूंगा तेरी ऐसी की तैसी, तू छिदा है भाई, कैसे फालतू बोल रहे कुत्ते जरा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे कहाँ चल, ओए अबे हाथ तल तेरी, हाथ काटेगा साले तेरी भैंस की, इतने बड़े हो गए भाई हाथ काट रहा भाई साहब, निकल जाए यहाँ से। चलो भैया पिटबुल निकल, और अंकल मेरे को डांट रहे हैं भाई, अंकल कह रहे हैं ओए भाई कुत्ता मेरे को काट रहा है, मैं उससे मतलब बच रहा हूँ, अंकल उल्टा मेरे को ही डांट रहे हैं। तो भैया ये मारेगा बुड्ढा, ये वही वाला बुड्ढा जो पिछली बार जो जुड़वा नहीं दिखे था दो, ये वही वाला बुड्ढा है, मतलब हर जगह चेप हो जाता है भाई, मतलब क्या दिक्कत है इसको, मेरे से मेरे को समझ नहीं आता। तो यहाँ पर अभी चलते हैं सीधा पहले स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर हमें और मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। और यार यहाँ पर तो मेरे को यहाँ की जनता बड़ी अजीब लगती है, वैसे बात बात पे तो मारने लग जाती है, पिछली बार देखा ही होगा तुमने कितनी सुताई कर दी थी इन्होंने मेरी अच्छी खासी। तो यहाँ पर अभी मैं इनसे मतलब कि फालतू बोलना मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया। और एक तो ये बुड्ढा मेरे को हर जगह दिखता है, ये बुड्ढा भैया पूरे पूरे ब्रह्मांड में ये बुड्ढा घूम रहा है। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं, बट एक सेकेंड हमारा स्कूल का रास्ता कहाँ चला गया? तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने मेले में, और मेला भी मैंने पिछली बार पूरा एक्सप्लोर नहीं करा था, तो यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, तो वही मैं दोबारा देखने आया हूँ कि ये चीज़ थी क्या। तो ओके अभी मैं अंदर आ चुका हूँ उसके, और ये क्या भैया जलपरी तैर रही है? अबे मतलब ये क्या मजाक हो रहा है भाई,
ओके तो एक बार आगे चलकर देखते हैं और क्या क्या है आगे। यहाँ पर बड़ा अजीब, मतलब कि कुछ, ओ भाई अरे ये कैसा इंसान है, ज़ोंबी ओम्बी है क्या? अबे तो ज़ोंबी सा है। ओके तो यहाँ पर और कुछ भी है भाई साहब? बॉक्सिंग? ना 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 मुझे नहीं खेलनी, मैं खेल सकता हूँ। ओ भाई ये क्या है? अबे ये क्या मेल मजाक सा लगा रखा है इन्होंने, मतलब एक शरीर से दो लड़कियाँ निकल रही है। वाह भाई भाई भाई, मतलब कि कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। और आगे क्या है भाई? अरे भाई साहब तो बुलडोजर बैठा हुआ है कोई। भाई और आगे क्या है भाई? यहाँ पर दिखाओ, वो देखो भाई, एक जगह कोई मोटा बंदा दिख रहा है, एक जगह बिल्कुल ख़त्म बंदा दिख रहा है। मतलब कि ये क्या लगा दिया मेले में भाई, फ्रीक शो कहते हैं ऐसे, फ्रीक शो। पता नहीं भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, इंडिया में तो मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। बट कोई नहीं, हमने गेम में ही देख लिया एक। चलो सही। और ये बुड्ढा फिर पहुँच गया यहाँ पर, इसका मैं सिर फाड़ दूंगा भाई साहब, जिस दिन पुलिस ने मेरे को कुछ कहना छोड़ दिया ना। ये देखो बाहर भी आ गया। अबे भाई ये क्या बंदा है, मेरे से क्यों चेप होता है? ये जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाता है एक एक मिनट में। ओके ओए ओ भाई साहब स्ट्राइकर। ओके तो यहाँ पर हमें बस क्या करना है, इसके अंदर हथौड़ा दिया जाएगा। ये तो मैंने रियल लाइफ में भी देखा हुआ है गेम, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें करना क्या। $1 इन्होंने हमारे काट लिए और हमें स्क्रीन पर टैप करना है। ओके तो लो भैया कर दिया टैप। अरे 50 स्कोर भाई टैप। अच्छा हमें ओके ओके ओके, जितनी बार टैप करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है भाई, मतलब उतनी ज़्यादा हाई पावर से हिट करेगा। तो भैया मैं पूरी स्क्रीन पर टैप ही कर देता हूँ फिर एक ले लेता। अब दिखाओ अब दिखाओ अब दिखाओ अब दिखाओ। अरे भैया फूट गए, तो हैंड्रेड ही पहुँच गया भाई, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं इसके बदले क्या मिलता है। क्या दिया भैया तुमने हमें? ओके तो मतलब टिकट्स मिले शायद कुछ, और टिकट से हम कुछ परचेस कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ तो भैया कूड़ा जगह है, यहाँ से निकल लेते हैं पहले। मेरा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, घुइया मज़ा आ रहा है इस जगह पर। तो अभी झूले वूले झूलने में का कोई मज़ा नहीं है, रियल लाइफ में झूले झूलने का मज़ा आता है, गेम में नहीं। तो यहाँ से निकलते हैं पहले। ओके ओके ओके, अबे ये क्यों चेप हो रहा है भाई? हाँ भाई क्या दिक्कत है? अरे उल्टा उल्टा बोल रहा है भाई ये तो, हैं उल्टा बोलेगा है भाई, काले यहीं लपेट दूंगा अभी तेरे को दो घुसे में। उठियो वो भाई साहब, तेरी ऐसी की तैसी। ये तो प्रो प्लेयर बन रहा है, हटियो जरा इसकी। ओए भाई साहब इसमें तो सही में ताकत है, इसकी ऐसी की तैसी भाई, ये तो रोमन रेंस हो रहा पूरा, इसकी ऐसी की तैसी। इसे नहीं छोड़ूंगा आज बेटा, अब उठ तू, मुँह दिखा बस। भाई ये नीचे से कैसे होके मार देता है वो भाई, ये बुड्ढा अलग मजे ले रहा है पीछे। बस खत्म हो गया, इतनी जान है ये बुड्ढे को। तो पहले एक बार ही ना मेरे को बुड्ढे से ही बात करनी है, मतलब ये बुड्ढे की अलग चढ़ी हुई है। ये क्या क्या कौन से नशे हैं ये? अरे तो तुम्हारी एज होगी, तुम घर पे जाके बैठो सो, यहाँ मेले घूम रहा है ठीक है भाई। ये क्यों भाई करंट लग गया क्या, क्या दिक्कत है भाई? है भाई कैसे ऐसा रहा था उस टाइम हुआ टांग उधर हो चल। अब बोल फालतू तो भाई साहब, ये तो फुल चोड़ में है बंदा, एक घुसंड तो इसके दूंगा। चल निकल यहाँ से भाई साहब, ये पुलिस वुलिस पीछे पड़ जाएगी। मतलब ये भुट्टा भाई साहब अलग ही मजे ले रहा है चचा। भाई मैं कह रहा हूँ हंस रहा है भाई, यहाँ दो बंदों की लड़ाई चल रही है, दांत फाड़ रहा है पीछे खड़े हो गए। तो चलो भैया अभी चलते हैं, रात हो गई है, पहले सोएंगे। और जो अभी तो आज मतलब पूरा दिन टाइम पास हो गया अपना, जो मिशन है वो कल हमें निपटाने हैं आज, क्योंकि पूरा दिन टाइम पास हुआ है। तो अभी पहले घर पर चल के सो जाते हैं एक बारी। तो गाइस मैं अपने घर पर आके यहाँ पर सो चुका हूँ अब, मतलब कि बस एक रात का इंतजार करना है। रात हो गई है, तो यहाँ पर बड़ी प्यारी सी रात होती है एंड उतना ही प्यारा दिन हो जाता है। तो यहाँ पर अभी रात हो, मतलब कि मैंने यार जो जो बच्चे हैं ना स्कूल के, इनसे फालतू बोलना ही छोड़ दिया। अपन अब बड़े आदमी हो चुके हैं भाई, इनको कोई मुँह नहीं लगाता। अब मैं यार ये तो देख के ही भाग जाते, मेरे को इतना डरते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। तो यहाँ पर पहले हम अपनी साइकिल उठाते हैं जो हमने कल रात को यहाँ पर छोड़ी थी, अब इसको लेकर चलते हैं कुछ मिशन करने। तो हमारा एक मिशन शायद स्कूल के अंदर ही है। ओके ओके, एक मिशन हमारा स्कूल के अंदर ही है, देखते हैं इस मिशन के अंदर हमें करना क्या है। पहले स्कूल वाले मिशन को ही निपटाएंगे और पता करेंगे इसके अंदर करना क्या है भैया हमें। हटियो भैया, ये एक तो महिला पता नहीं कहाँ से आके खड़ी होगी पीछे। चलो भैया अंदर। ओके तो इस मिशन के अंदर ये रहा यहाँ पर ये मिशन, तो इंग्लिश क्लास का कोई ये मिशन है। तो ये रहा इंग्लिश, हैट्रिक वर्सेस गैलोवे, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके तो भाई इस टीचर ने दारू की बोतल, भाई वाइन की बोतल पकड़ रखी है इसने, और भाई इस टीचर ने ड्रिंक कर रखा है स्कूल में। अरे भैया भैया
What kind of monster? ओ भाई क्या क्या है इस गेम में यार, क्या मतलब कि ए टू जेड जो रियल लाइफ में होता है ना वो सब कुछ है यार इस गेम में भाई। पर भाई ये टीचर सही मजे ले रहा है यार इसको, ये तो भैया मतलब इसका मतलब डिमोशन टाइप कुछ करवाने में लगा हुआ है। वो कैसे डिमोशन नहीं करवाया यार, रियल लाइफ में भी यही होना चाहिए यार, जो टीचर ऐसा हो तो उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके भाई साहब ऊपर से ये उल्टा बोल रहा है कि मैंने नहीं पी रखी भाई पूरी, मतलब कि यार वाइन की बोतल उसके हाथ में पकड़ी गई उसके बाद बोल रहा है ये लो, फिर पीने लग गया, अभी कह रहा था नहीं पी रखी। ये कहां से टपक गया? मतलब दिक्कत क्या आ रही है भाई ये बताओ सीधा। मतलब भैया फुल मतलब ड्रिंक करनी ही है स्कूल में, कुछ भी हो जाए करनी ही है तो ही है, मतलब इसे इंग्लिश सब्जेक्ट से दिक्कत है कह रहा है, मतलब इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वाओ तो बना क्यों तू इंग्लिश का टीचर जब तेरे को पढ़ानी ही नहीं आती, तो मतलब इंग्लिश का टीचर बन गया पढ़ानी नहीं आ रही तो दारू पी रहा बैठ के। वाओ ये सही चीज है भाई, तो अपना जिमी बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, भले पढ़ता ना हो लेकिन बढ़िया बंदा है भाई। तो उसने हमें एक काम दिया, हमें इसकी सारी ओके। अबे भाई मेरे को भाई एक और बोतल निकाल के पीने लग गया। अच्छा तो हमें अब इसने एक बोतल दिया इस टाइप के, हमें बोतल जो है स्कूल के अंदर ढूंढनी है और देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पर हमें वो बोतल्स मिलने वाली है। तो फर्स्ट बोतल जो है इसके अंदर है, पूरा का पूरा किचन है, इसी के अंदर कहीं बोतल पड़ी होगी तो इसमें टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो इससे बढ़िया हम पहले कहीं ना दूसरी जगह पर चलते, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर पहले जल्दी मैं ढूंढ पाऊंगा कि नहीं। तो ऊपर भी एक और फ्लोर है जहाँ पर हमें बोटल्स, तीन बोटल्स हमें ढूंढने हैं टोटल। तो ये वाली बोटल इसके अंदर है शायद, ये जो शीशे है ना इसके अंदर एक बोटल पड़ी है इसकी। तो कहाँ से ढूंढूँ यहाँ पर यार, टीचर्स भी घूम रहे हैं। अगर मैंने ये ग्लास तोड़ना पड़ेगा मुझे, हाँ ये ग्लास तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये मैंने ग्लास तोड़ दिया तो मुझे वो बोतल जो है मिल जाएगी। और ये भाई साहब प्रिंसिपल भी खड़ा हो गया आकर, वो मोटा वाला टीचर भी खड़ा हो गया, हैट्रिक। और ये पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमें कुछ बदबू सी आ रही है, मतलब भैया अंदर वाइन पड़ी हुई है, बोल रहे बदबू सी आ रही है। तो फिर निकलो यहाँ से दोनों भाई साहब, दोनों एकदम पूरी शक वाली मूड से चल रहे हैं कि तो मुझे ढूंढनी तो है। उसके अंदर एक और टीचर आ रहा है तो मेरे को इससे भी पंगे नहीं लेने, फिर मैंने फोड़ दिया। और भाई ये तो मेरे ढूंढने लग गए, शीशा टूटने की आवाज़ कहाँ से आई भाई साहब। बड़ा हार्ड मिशन है यार थोड़ा सा, मतलब एकदम डर लगता है इसको करने में भाई, रियल लाइफ में करना हो तो बंदा मर जाए। ओके तो हमें शायद ओके बोतल हमें मिल चुकी है, यहाँ पर एक कलेक्ट हो गया हमारे पास बोतल। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है मेरे को टीचर कूटेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा पकड़ के, नहीं 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 कुछ नहीं कह रहे। तो यहाँ पर अभी टीचर तो कुछ नहीं कह रहे। और एक बोतल जो है वो इसके अंदर है और एक ऊपर वाले फ्लोर पर है। तो इसके अंदर वाली बोतल कहाँ से मिलेगी यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। एक गड़बड़ होगी गाइस, अभी क्लास लग चुकी है, यानी कि स्कूल जो है अभी एक पीरियड लग चुका है, तो हमें उस क्लास में जाना पड़ेगा वरना हमें टीचर पकड़ के कूटेंगे। तो वहाँ पर जाऊँ कैसे? और ये भी कुछ नहीं कह रही। ओके तो अबे टीचर पीछे पड़ जाएगा भाई यार, उस क्लास में मेरे को जाना ही पड़ेगा। वरना मैं एक काम करता हूँ ना, किसी क्लास में जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। तो एक काम करते हैं, किसी का छुप के बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी जगह छुप कर बैठ जाते हैं, वरना तो भैया टीचर भर से देंगे अपने। कहाँ जाऊँ लेकिन मैं यार, इसके अंदर मेरे को मिल भी तो नहीं रही है बोतल। तो एक बोतल जो है वो शायद से लेडीज़ टॉयलेट में है। तो अबे भाई इस लड़की ने शोर मचा दिया, तो भैया बोतल लेने ही तो आया, अपनी क्या दिक्कत हो गई। ओए अबे ये क्या हो गया भाई, हेलो अबे भैया बोतल ले, अरे यार ऐसे तो मत करो यार, लेडीज़ टॉयलेट में चला, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें। चलो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से भैया, ये तो अपने भर से देंगे। मतलब भाई साहब एक सेकंड के लिए गुस्सा, इतने टीचर टपक गए मेरे पे भैया, सिर फाड़ देंगे तो मेरा पकड़ के। तो यहाँ पर पहले जल्दी से निकलता हूँ वरना तो भैया अभी मतलब भूतनी सी छुटा देंगे एकदम। तो कहाँ पर हैं, मेरे को भी दोबारा से जाना पड़ेगा, बॉयज़ वाले में तो मैं इजीली जा सकता हूँ, बट बोतल जो है वो गर्ल्स, पहली बात तो ये नहीं समझ आ रही गर्ल्स वाले टॉयलेट में बोतल गई कैसे। अरे यार कहीं भी रख दिया यार छुपा कर मेरी कुटाई करवाने के लिए। ए यार तू तेरी भैंस की टांग, इसके तो रख के दूंगा, ले साले के अंगूठा तोड़ दूंगा मैं इसका। यहाँ पर कहाँ से जाऊँ यार कि मेरे को वो बोतल मिल जाए, क्या करें। वो लड़की शोर मचा के, अच्छा 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 अब मेरे को चीज़ कंसेप्ट समझ आ गया, लड़की जो है शोर मचा के जा चुकी है, अगर मैं दोबारा उसके अंदर जाऊंगा तो कोई शोर मचाने वाला ही नहीं होगा, तो टीचर कहाँ से आएगा। तो ये सही चीज़ ठीक लगी, ठीक है ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम है, पहली बार कुटाई तुम्हारी होनी है। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं, बोतल यहाँ पर तो नहीं है भाई, स्केट बोर्ड पहले निकाल ले। हाँ तो
तो बोतल है कहाँ पर अपनी? ओके तो ये पड़ी हमारी बोतल यहाँ पर, ले भैया कहाँ क्लिक हो गया भैया, टॉयलेट टॉयलेट तू पहले कर ले भाई साहब, यहाँ इतना खतरनाक मिशन हो रहा है, दो तीन घूसे पड़ गए टीचरों से, इसको टॉयलेट की पड़ी है। चलो ठीक है, वरना कहीं कल को पैंट में कर दे तो स्कूल में पूरे अलग बेइज्जती हो जाए, जो इज्जत कमाई है वो भी चले जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट वाली बोतल रह गई है जो कि हम, यार फिर से भी एक पीरियड लग गया भाई, कितनी क्लासेस होंगी आज के दिन ही, सारी क्लास आज के दिन ही करा दोगे क्या भाई? रेस्ट तो दे दो बच्चों को थोड़ा, बाकी मैं तो किसी क्लास में जाता नहीं क्योंकि अपने जो है भैया बाहर के इतने सारे काम रहते हैं। टीचर मेरे को पता था पीछे पड़ेगा, मैं शरीफ बच्चों की तरह चल रहा हूँ तब भी मार रहा है साला। अबे यार भाई मेरे को बोतल चाहिए पहले ये री, तो ओके तो मेरे को बोतल मिल चुकी है यहाँ से, अभी यहाँ से हम फटाफट निकल लेते हैं। हट जाओ आंटी जी, तो मेरे को यहाँ से फटाफट जाना है। अब ये देकर किसको आनी है सारी बोतल्स? उसने किसी मैम का नाम लिया था शायद, ये सारी बोतल्स उसी को देनी है। ओके तो पहले हम यहाँ से फटाफट स्कूल से निकलते हैं और जो मार्कर आ रहा है बस फटाफट से उसको फॉलो करते हैं, एंड वहाँ पर ही शायद से मेरे को कोई मैम मिलेगी, उसको ये बोतल देनी है। अब जहाँ तक उसने ऐसा बोला था, बाकी तो मुझे नहीं पता क्या सीन है। ओके तो ओके तो वो मैम खड़ी हुई है सामने और सारी की सारी बोतल्स मेरे को, इसको क्यों देनी है? मतलब इनका तो सीन ही एकदम अलग लाइफ का चल रहा है भाई। लो भैया नशे में आ रहा था, पार्टी करो, दारू पार्टी हो गया आज तो पूरी पूरी रात, तो इसके बदले ओ भाई कैमरा मिल गया, इसके बदले इसने मेरे को कैमरा दे दिया भाई। लेकिन इस कैम अबे ये स्कूल बस में कहाँ चली गई? स्कूल तो पीछे है भैया, क्या खुफिया रस्तों से आते हैं लोग स्कूल में। ओके तो यहाँ पर हमें मस्त कैमरा मिल चुका है, तो इससे हम किसी की फोटो खींच के देखते हैं भाई, DSLR दिया है ना तो फुल फोटो शूट करवाएंगे भाई अब तो मतलब पूरा। ओके अबे भाई साहब ब्लैक एंड वाइट फोटो, छी छी छी। ओके तो मेरे पास एक न्यू मिशन आया है, यू है मतलब प्रेप चैलेंज। बाकी तो यार कैमरा ठीक है, ब्लर वलर तो कुछ नहीं मारेगा। और देखो भाई लड़की ने कैमरा देखा, स्माइल मारने लग गई भाई साहब, मतलब कि हर जगह पहुंच जाती है लड़के फोटो खिंचवाने। तो यहाँ पर हमें प्रेप चैलेंज करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये प्रेप चैलेंज है क्या, बाकी हम चल कर देखेंगे क्या सीन है प्रेप चैलेंज का। बैठ जाओ भैया साइकिल में, इतने बड़े बदमाश नहीं हो गए अभी आप। तो पहले मैं चलूँगा अपनी प्रेप चैलेंज में, अपनी कितने डॉलर की थी अपनी बाइक यार, यार मेरे को कमेंट में बताओ यार अपनी बाइक कितने डॉलर की थी, मैं भूल गया 40 की थी कितने की थी कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर अभी मैं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार, और बाकी तो मैं चाहूँ तो पिछली वीडियो से देख कर पता कर लूँ, बट नहीं आप लोग बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम अपनी मतलब इतनी महंगी बाइक को ले जाएंगे सीधा प्रेप चैलेंज करने, मेरे को तो लग रहा कोई खतरनाक ही चैलेंज है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई आ चुका, सबसे महंगी साइकिल है यार सोचो, मतलब पूरी सिटी में समझ लो जहाँ पर तुम रहते हो उस पूरे एरिया में तुम्हारे पास सबसे महंगी साइकिल हो, तुम्हें कितनी तगड़ी फीलिंग आएगी भाई। इसको साले को ज़्यादा दिक्कत है यार, हैं बे हैं तेरी भैंस की टांग मेरे से चौड़ा होगा, अले अभी प्रेप चैलेंज ना करना होता ना कुत्ता बना देता यहीं पर मारते मारते। भाई ये तो पूरी आर्मी आ गई, अंदर आओ तुम अंदर आओ भाई, पुलिस पुलिस का खतरा नहीं चाहिए, अंदर आओ सबको कूटूंगा सबको मारूंगा आज भाई साहब, तुम मचो ओ इतनी तेज घूसा मारेगा आप, तुम्हारी भैंस की टांग इतनी तेज घूसा साले, इधर उठ भाई। ये मेरे को लग रहा है मेरी पिटाई होने वाली है क्योंकि ये जो प्रेप चैलेंज है ये कोई बॉक्सर्स का चैलेंज है और यहाँ पर ये सारे बॉक्सर्स लग तो भाई रख के घूसा मार रहे हैं भाई, भले ही इनमें जान कम है लेकिन ये जब मारते हैं तो बहुत ज़्यादा हिल जा रही है भाई आधी अच। अरे भाई साहब पे तेरी ऐसे तू इतना बड़ा नहीं हुआ भाई, अंडे फेंक फेंक के कौन मार रहा है, ये कौन लेडीज हैं? अंडे मारने का क्या मतलब है यार, 6 रुपये का एक अंडा आ रहा है यार तुम लोग फेंक के मार दे रहे हो, 6 रुपये पर सेकेंड खराब कर रहा है बंदा, तेरी ऐसी की तैसी साले, सिलेंडर ही सिलेंडर मारूंगा सर पे सर फाड़ दूंगा। अबे भाई यार बहुत तेज मार रहा है, यहाँ से निकलना पड़ेगा, उतने अंडे मार मार के इसने हेल्थ कम कर दी, मुंह पे अंडा फेंक के मारता है भाई, मेरे को निकलना पड़ेगा भाई यहाँ से। कोई वेजिटेरियन बंदा हो वो तो बेचारा स्मेल सूंघ के ही मर जाए, वो तो अच्छा होगा कि भैया मैं वहाँ से निकल गया, मेरे को यहाँ से फटाफट से निकल जाना है, बंदे थोड़े खतरनाक है। अबे भाई साहब जाने तो दे, अरे भाई 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 गलत ही पंगा भाई, हेलो अरे यार खत्म होने वाला, ये शिट बे इसने मार दिया भाई, इनसे तो बदला लेना है, ये मैं चाहे यहीं छोड़ दूं लेकिन इनको जरूर मारूंगा मैं, देखते हैं है क्या प्रेप चैलेंज। एक मिनट रुक जाओ भाई मेरे को भी, पे यार ये पुलिस पीछे पड़ गई भैया, क्या दिक्कत है यार अपना प्रेप चैलेंज कर रहा है तुम्हारा भाई, इतनी स्कूल चले जाओ पहले यार, तुम्हारा स्कूल ही भेज दो मेरे को, पहले प्रेप चैलेंज करना है भाई, मैं इतनी बुरी तरह पिट कर आया हूँ भाई, तुम कह रहे हो स्कूल पे पढ़ाई कर, अगर मान लो तुम्हें कोई 3-4 बच्चे पकड़ के लपेट दें तो तुम क्या पढ़ाई करने के मन से जाओगे, तुम तो मैक्सिमम दिमाग तो ही रहेगा, उससे बदला कैसे लूँ साले से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं वापस से, और अभी मैं इनसे पंगा नहीं लूँगा, मेन है मेरा प्रेप चैलेंज, प्रेप चैलेंज में इनसे अपने आप बातचीत हो जाएगी ठीक है। तो पहले हम अपना प्रेप चैलेंज करते हैं और देखते हैं इस प्रेप चैलेंज में है क्या, तो बॉक्सिंग टूर्नामेंट है अभी भाई, अब आएगा मज़ा, देखते हैं सीन क्या है।
बॉक्सिंग टूर्नामेंट बैटल ऑफ द वेल अ ड्रीम होम इन द वेल वर्थ $1,000 भाई साहब कुत्ते ही जहर अब भाई इतना मारूंगा ना इनको देखना ओके तो ब्लॉक करने के लिए है डॉज करने के लिए पंच करने के लिए तीन ही बटन से हमें पूरा गेम टिकाना है ओके ले बेटा पंच ही पंच मारूंगा आज डॉज वॉज करने की जरूरत ही नहीं मारेगा चल अब निकल जैसे ही पंच मारने लगता है मैं नीचे बैठ जाता हूँ उलट के इसके घुसंडे बजा देता हूँ तो लो भैया यहाँ पर हमने इसको निपटा दिया चलो भैया नॉकआउट हो जाओ निकल लो पहली फुर्सत में हाँ पर अब इनकी पूरी की पूरी आर्मी को निपटाऊंगा मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है और यहाँ पर नंबर एक ओके तो एक और बंदा आ चुका है और ये है हमारा राउंड नंबर सेकंड तो यहाँ पर ये नीली कमीज को देख लेते हैं कितनी ताकत है भाई तेरे में हाँ भाई गुटकी शक्ल के इसकी भैंस की टांग और ओ तेरी ये अब भाई उससे तो बहुत तगड़ा है उससे तो बहुत तगड़ा है ओ भाई साहब तुम्हारी भैंस की टांग अरे भाई इसने कितनी हेल्थ ले ली मेरी इतने कम ये मारेगा लड़का भाई साहब ये लड़का बहुत खतरनाक है तेरी भैंस की इसका तो मुंह फोड़ दूंगा मैं एकदम ये जो राइट वाला पंच मारता है अरे बहुत तेज लग रहा है यार मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ जा रही है ओके तो मैं से ओके मैं इसका कंसेप्ट समझ गया मैं इसे कॉन्टिन्यूसली चार घुसे नहीं मारने हैं इसे ब्लॉक तोड़ना आता है देखो जैसे मैंने ओके तो बच गया मैं टाइम अप होगा लेकिन तुम्हारे भाई ने एंड एंड में कितनी ज़्यादा भर दी उसके उसकी हेल्थ देखो कितनी सी रह गई है ओ भाई एंड में जो इसके मैंने मारा है ना भाई भूत बना दिया इसका मारते मारते पहली फुर्सत में निकल तो भैया इसको भी हमने नॉकआउट कर दिया शायद से अब हम जीत जाएंगे बहुत ही ईजिली मारेंगे तो यहाँ पर अब हमें मिलने जा रहे हैं $1,000 मतलब मज़ा ही आ जाता है यार जब हमें $1,000 मिलते हैं तो क्या खुशी ओए एक और राउंड भाई कितनी लड़ाई करवाओगे दिन रात लड़वाती रहूँ क्या और ये बंदा तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है ओके तो ये वही लोग है जो बाहर हमें बॉक्सिंग चैंपियन मिला था भाई एंड में सीने तेरी भैंस की टांग अब तो गुस्सा निकालूंगा अब तू आना 1v1 ब्लॉक करेगा ले मैं भी ब्लॉक करूँगा भाई ये तो ब्लॉक छोड़ ही नहीं रहा है तेरी भैंस की टांग मेरे को नहीं आती क्या ब्लॉकिंग तो बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतते हो हैं ले अभी हेल्थ देखना बस मेन किसकी हेल्थ ज़्यादा जा रही है अभी इसका भूत बना दूंगा तुम्हारा भाई ऐसे पिट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई ऐसा तू खा क्यों नहीं रहा ये घुसे इसको मारूंगा कैसे हाँ अच्छा मैं समझ गया जैसे ही ये मारने लगे मैं इसे तब मारना है देखो अभी मैं क्या करूँगा इसे ब्लॉक करता हूँ ले बेटा ले ओके ठीक है तो पहले ब्लॉक करते हैं इसने मारा टाइम अप होने के बाद मेरे को घुसा मार देता है ये फिर से लाख गुना ज़्यादा फास्ट हैंड है मेरे ये ले। ओ भाई राइट से जाके ठीक है एक मिनट मैं डोज करके दूंगा तेरे मतलब तो सबसे बेस्ट है जैसे ही बंदा मारने लगे डोज हो जाओ और फिर घुसा मार दो रख के ओके तो भाई साहब बंदर जैसा मुंह बना दिया मैंने इसका आंखें देखो इसकी जोकर हो गया जोकर समझ नहीं आ रहा कि बंदर खड़ा हुआ है जोकर खड़ा हुआ है या फिर इंसान तो लग ही नहीं रहा छोड़ो चल भैया चल बेटा पहली फुर्सत में तो यहाँ पर अब शायद से मुझे यार पैसे दे दो यार क्यों रुला रहे हो गरीब आदमी को इतना ज्यादा बंदे पिटवाओगे तो ओके तो यहाँ पर मेरे को ओके अबे ठीक है फिर कोई नुकसान की बात तो नहीं है मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो यहाँ पर इन्होंने कहा पैसे तो नहीं मिलेंगे बट एक हाउस है जो कि मेरे को उन पैसों के बदले जो है ये मिल जाएगा ओ भाई साहब क्या सही जगह है यार मतलब ठीक है यार बीच का क्लब हाउस मिल गया मेरे को सही चीज़ है तो यहाँ पर देख लेते हैं ओके तो काफ़ी अच्छा है यार इसके अंदर हमें गेम भी दी गई है सही है यार स्पेसक्राफ्ट की गेम भी है कुछ ठीक जगह मिल गई भाई साहब अब मैं यहाँ पर भी जाकर अपना रह सकता हूँ सो सकता हूँ गेम खेल सकता हूँ गेम सेव कर सकता हूँ मतलब सब कुछ है तो यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन पर अपना नेक्स्ट मिशन भी यहीं पर है तो बट यार ये वाला मिशन मैं नहीं करूँगा अभी चलते हैं किसी और मिशन पर क्योंकि हमने अभी तीन टाइप के मिशन कर लिए एक तो जो स्कूल के अंदर था और एक था ये बॉक्सिंग वाला अब और एक तो वो डॉलर वाला मिशन था फिलहाल उसको मैं मिशन नहीं काउंट करूँगा क्योंकि वो एक नॉर्मल जॉब थी जो कि क्विक जॉब होती है दिहाड़ी का काम जिसे आप बोल सकते हो तो यहाँ पर अभी हमने वो नहीं करना और भाई यार चेप मत तो भाई अभी इतना फालतू टाइम नहीं है भाई अभी हम बड़े आदमी हैं ठीक है तो भाई चलो अभी हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना है ट्रैवलिंग कार्निवल जहाँ पर लगा पड़ा है
तो सबसे पहले मैं वहाँ पर जाना है, अपनी साइकिल मैंने ले लिया, तो मैं लेट तो नहीं हूँगा, टाइमिंग इन्होंने दे रखा मेरे को इस टाइम से पहले पहले पहुँचना, बट अपने पास रहते ही ऐसे ऐसे जाऊँगा तो भैया कल तक ही पहुँचूंगा और सिर अलग फूट जाएगा मेरा। तो यहाँ पर पहले फटाफट मेरे को वहीं पर जाना है, ठीक है, मैंने मार्क मैप में देख लिया, तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी साइकिल को उठा लेता हूँ एंड जल्दी से पहुँचता हूँ वहाँ पर। एंड ये जो नीली टी शर्ट वाले मेरे को ज़्यादा कुछ फालतू बोल नहीं रहे हैं, इसकी पीठ पर हैंडल दे दिया तब भी कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको बॉक्सिंग वाले जो मतलब कि जो इनका पता नहीं जो भी था वहाँ पर घुस के जो इनका कुत्ता बनाया था ना, तब से ये लोग शांत है एकदम। तो ओके अभी हम आ चुके हैं अपने मेले में। ओ भाई साइकिल ही अंदर घुसा दी भाई, सब जंप दे के। तो यहाँ पर हमें करना क्या है सबसे पहले, ओके तो ये आ गई, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये डेट मतलब यार कूड़ा, करना क्या हमें, विन टिकट्स बाय प्लेइंग द कार्निवल गेम्स। ओके ठीक है, मतलब कि हमें कुछ गेम्स खेलनी है, मतलब इस कार्निवल में कुछ गेम्स हमें खेलनी है एंड उससे हमें जो टिकट्स मिलेगी उस टिकट से कोई प्राइस खरीदना है और इसको दे देना है। तो ठीक है चल भैया, इतना टाइम नहीं है मेरे पे, इतनी धीरे धीरे चल रही है पागल की तरह, बट मिशन ना फेल हो जाए तो चल लो भैया धीरे धीरे ही चल लो, इतना लेकिन फालतू टाइम नहीं है यार। पे इधर देख कहाँ अंधी है कहीं। ओके तो भी हमें जाना कहाँ यहाँ पे। ओके तो ये वाली गेम है, ये वाली गेम हमने पहले भी खेली थी तुम्हें पता है, तो यहाँ पर इसको मैं खेल कर इसे इम्प्रेस कर देता हूँ फटाफट से, इसे इम्प्रेस नहीं करना है वैसे, हमें टिकट्स जीतनी है। तो यहाँ पर हमें फटाफट दबाना बटन, लेते ही ऐसी की तैसी, जय श्री राम, 100 पे पहुँचेगा तुम, तुम्हारे भाई पे हनुमान जी का आते क्या दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर चलो भाई मिल गए अपने को 3 टिकट्स जो है मैं मिल चुकी है, तो पहले भी कुछ टिकट्स हमारे पास पड़ी हुई थी, तो अब भाग करा यार पागल, दिमाग ख़राब कर रही है भाई, इतनी धीरे धीरे चल रही है। कहाँ पर है प्राइस वाला, तो यहाँ पर ठीक है प्राइस का हमें यहाँ पर सीन है, तो ये आ गई भाग के, ठीक है आ गई ना बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी टिकट्स होगी उससे हम यहाँ पर कुछ परचेज़ कर सकते हैं, तो देखते हैं भैया क्या क्या है परचेज़ करने को, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। टैडी बियर है, टैडी बियर ही सही लग रहा है, टैडी बियर ही ले लेते हैं भैया, वो इतना ड्रामे नहीं है अपने पास, टैडी बियर ही उसे पकड़ा कर आ जाते हैं। लो भैया टैडी बियर लो, साथ में इसके साथ सोना, लो खुश रहो। लो भाई इसी के साथ समझ लो मतलब भाई अब तो मतलब पूरी बातचीत आएगी पूरे के पूरे स्कूल में, क्या पूरी की पूरी सिटी में बातचीत आएगी। तो चलो भैया ये वाला मतलब कि मजा ही आ गया वाला मिशन करके भी, तो अभी कुछ उतने खास फाइटिंग वाले मिशन है नहीं, तो शॉप में चलकर देख लेता हूँ और क्या क्या है। तो गाइस आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो गेम प्ले वीडियो है जरूर पसंद आएगा, अगर आप चाहते हो कि पार्ट 6 भी मैं जल्दी लाऊं तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना, एंड मुझे बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि यार माइनक्राफ्ट खेलो उस पर भी गेम प्ले डालो, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट खेलूं तो प्लीज़ यार मुझे नीचे जाकर कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको गेम प्ले सीरीज अच्छी लगती है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, काफ़ी अमेजिंग स्कूल लाइफ गेम है और एक रियल लाइफ की तरह, जैसा कि सब कुछ रियल में होता है सब कुछ इसमें भी है। तो गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।